बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सलीम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, दिस टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन पेज 126 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन इज गिवन। दे बोहर्स मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का बहुत इस्तेमाल किया। असल में बोहर क्या करता था कि हाइड्रोजन एटम को जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को ना जी एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में बंद कर लेता था। हाइड्रोजन गैस को देखो ना, ये मिसाल के तौर पर एनोड और ये क्या हो गया कैथोड, ठीक हो गया ना जी। तो यहाँ पे कौन मौजूद है, हाइड्रोजन गैसियस एटम मौजूद है। तो इन हाइड्रोजन एटम से रेडिएशंस निकलती थी। उन रेडिएशंस को जब वो स्पेक्ट्रोमीटर से फोटो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारता था तो उसके पास जो है वो एक अदद स्पेक्ट्रम हासिल होता था। ये ब्राइट लाइंस हैं, ठीक है ना जी। और ये चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ये स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर इस तरह से क्या बन जाती थी, ब्राइट लाइंस बन जाती थी। तो असल में तो ये सारा इन ब्राइट लाइंस की वो क्या मेजर कर लेता था, वेव लेंथ। क्या मालूम कर लेता था, वेव लेंथ। अब इस वेव लेंथ की मदद से बेटा उसने जो है ना वो यानी कि पीछे डार्क बैकग्राउंड है और ब्राइट लाइंस है, तो इन ब्राइट लाइंस की पोजीशन जो है वो वेव लेंथ को मेजर करने में हेल्प करती थी। और फिर इस वेव लेंथ की मदद से वो इन रेडिएशंस की एनर्जी कैलकुलेट करता था। क्या करता था, एनर्जी, किसकी मदद से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक हो गया ना जी। तो इस फार्मूला से उन रेडिएशंस की एनर्जी, अब उस इन रेडिएशंस की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक आइडिया सोचा। उसने एक एटम के मतलब एक पिक्चर सोची, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब एक थ्योरी डेवलप की। आए जरा उसकी थ्योरी के मतलब चलते हैं, क्योंकि उसने भी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा था, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर अतराज ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो पाए जाते हैं, अगर फिक्स हैं तो अभी वो ग्रेजुअली अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के गए तो तब भी उन्हें ग्रेजुअली जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है वो क्लोज होते होते जो है वो हर का न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एटम को डिस्ट्रॉय होना चाहिए। रदरफोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एटम एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। तो अब जो है इधर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, इस तरह के जो है वो नॉलेजेस के साथ जो है बोहर जो है उसने हाइड्रोजन एटम से पैदा होने वाली रेडिएशंस और उनकी उन रेडिएशंस की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए एटम के मतलब एक नई एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब एक नया आइडिया, एक नई थ्योरी दी जी। क्या जी, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। बोहर के मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में जो है वो कैन ओनली सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वजूद रखते हैं सर्टेन खास, ठीक है ना जी, परमिटेड यानी कि अलाउड क्वांटाइज्ड एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी रखने वाले लेवल जिन्हें ऑर्बिट्स उनमें रहते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। मसलन ये है, एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक हो गया ना जी, इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये मिसाल के तौर पर ऑर्बिट नंबर वन है, एन इज इक्वल टू वन, और ये ऑर्बिट नंबर टू है, एन इज इक्वल टू टू, और ये ऑर्बिट नंबर तीन है, एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक हो गया ना जी, इस तरह से। और मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन वन ऑफ दी, कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में जो है वो रहता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स एनर्जी, और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। जब ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है तो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। यानी क्या कहना चाहता है बोहर्स, के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है ना जी, इलेक्ट्रॉन सेकंड पॉसिबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पार्टिकुलर ऑर्बिट नाइदर एमिट्स, ये मैं सारी जगह डॉट डैश कर दिए मैंने, नाइदर एमिट्स, किताब से पढ़े, ना तो वो एनर्जी खारिज करता है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मौजूद है उस वक्त तक ना तो वो एनर्जी खारिज करता है और ना ही जज्ब करता है। While moving in the same fixed orbits, the energy is emitted or absorbed only, उस वक्त ही जो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है या जज्ब करता है, when an electron jumps from one orbit to another, जब इलेक्ट्रॉन जो वो एक ऑर्बिट से दूसरे में, या दूसरे से पहले में, तीसरे से दूसरे में, या दूसरे से तीसरे में, या तीसरे से पहले में, या पहले से तीसरे में जब वो जंप करता है, तो उस वक्त या तो एनर्जी खारिज करता है या एनर्जी जज़ब करता है जी। तो बेटा जी नंबर तीन पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है यानी अपना ऑर्बिट चेंज करता है, जब तक तो वो अपने ऑर्बिट में है उस वक्त तक उसकी एनर्जी फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, ठीक हो गया ना जी। जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो वो अपनी एनर्जी को या कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज डेल ई इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स द एनर्जी चेंज डेल ई इज गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन से वो दिया गया है। तो डेल ई क्या, डेल इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इक्वल टू एच म्यू, इक्वल टू एच म्यू। तो बेटा क्या, जरा इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक और तस्वीर बनाता हूँ। ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक हो गया, फर्ज कर लें कि ये एक ऑर्बिट है, ठीक है ना जी, इसकी ये इसकी एनर्जी जो है हम कर देते हैं ई वन, ठीक है, चले मैं आपके सहूलत के लिए इसको एन वन लिख देता हूँ, और ये दूसरा ऑर्बिट है, इसकी ये दूसरा ऑर्बिट है, और इसकी एनर्जी क्या है ई टू, इसकी एनर्जी क्या है ई टू। अब बेटा जी बात ये होती है कि ये एन वन जो है ना वो इनर ऑर्बिट है, और जो इनर ऑर्बिट होता है ना जी वो क्या होता है, ऑफ लो एनर्जी, ऑफ लोअर एनर्जी, किसके मुकाबले में, एन टू के मुकाबले में, जो कि आउटर ऑर्बिट है, क्या है, आउटर ऑर्बिट है ऑफ हायर एनर्जी, किसके मुकाबले में, एन वन के मुकाबले में, ठीक है ना जी। तो इनर ऑर्बिट की एनर्जी लो है किसके मुकाबले में, आउटर ऑर्बिट के मुकाबले में, और आउटर ऑर्बिट की एनर्जी हाई है किसके मुकाबले में, इनर ऑर्बिट के मुकाबले में। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है ई टू से, ठीक है ना जी, किसकी तरफ, ई वन की तरफ, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो, देखें ई टू जो है उसकी एनर्जी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है किस से, ई वन से, तो फिर इलेक्ट्रॉन को E1 वाले ऑर्बिट में रहने के लिए अपनी एनर्जी कम करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बोहर्स के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन जो वो इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी वाले ऑर्बिट में रहता है, ठीक है ना जी, और जब तक उस ऑर्बिट में रहता है वो ना अपनी एनर्जी बदलता है, यानी ना कम करता है ना ज्यादा करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में आके रहना चाहता है तो उसको अपनी एनर्जी लो ऑर्बिट वाले ऑर्बिट के बराबर करनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए एनर्जी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को वो रेडिएशंस की सूरत में एमिट करेगा, रेडिएशंस की सूरत में, रेडिएशंस आर एमिटेड। इन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, डेल ई के बराबर है, डेल ई ई टू माइनस ई वन,
ठीक है जी, उतनी ही एनर्जी खारिज होनी है जितना कि इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है जी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक डेल इज इक्वल टू एच सी या एच म्यू, ठीक हो गया ना जी, एच म्यू इस तरह से निकाला जा सकता है। तो वेयर ई टू क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग, एंड ई वन इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग, एंड डेल्टा इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, ठीक है ना जी, एमिटेड। यह आपकी किताब में गलती भी होगी, अपनी किताब को चेक करें गौर से कि डेल्टा इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ये वाली गलती हो सकती है, फ्रॉम आउटर टू इनर। आपकी किताबों में हो सकता है कि इधर इनर हो इधर आउटर हो। और एनर्जी अगर आप कहते हैं सर जी अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिट से, एक इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी ऑर्बिट से किसमें जाना चाहता है, हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाना चाहता है, किसमें जाना चाहता है, ई वन से ई टू में जाना चाहता है, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब देखिए मैंने रेडिएशन ही लिखा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो एनर्जी कौन सी हो सकती है, या मैं रेडिएशन नहीं लिखा, वो एनर्जी रेडिएशन वाली भी हो सकती है, वो हीट वाली भी हो सकती है, वो लेजर की एनर्जी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है। अब आप समझ आ रही है कि नहीं, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होनी है वो किस कोई फॉर्म ऑफ हो सकती है, लेकिन जो एमिट होनी है ना वो हमेशा रेडिएशन की फॉर्म में होगी। अच्छा जी, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी जी, जारी बात है कि जितना दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी में डिफरेंस है, E2 माइनस E1, और फिर एक मरतबा डेली किसके बराबर होगा, एच म्यू के बराबर होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो पहले मैंने आपको समझाया कि यार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इस डेल ई की वैल्यू को बता देती है, ठीक हो गया ना जी, यानी हमें वो डेल ई की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरे लफ्जों में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, और इसी हेल्प की मदद से बोहर ने ये सारी तस्वीर बनाई, ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है नंबर फोर पास्टुलेट्स, एनर्जी अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू हायर, तो बेटा जी इन ये मैं सवाल निशान लगा रहा हूं, इन सवाल निशान लगाने वालों को अपनी किताब में चेक कर लें, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ऐसे अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इनको सही करके ऐसे नोट करें जी। तो फोर्थ पास्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ये बेटा ये एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर, देखिए मोमेंटम एम वी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, इतना है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स क्वांटम नंबर, ठीक है ना जी, हर ऑर्बिट का अपना अपना एंगुलर क्वांटम नंबर होगा। तो एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर एच ओवर टू पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई, तो पहले ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट का एम वी आर किसके बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एम वी आर किसके बराबर, एच ओवर टू पाई के बराबर होगा। सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा जी, 2 इनटू एच ओवर 2 पाई के बराबर होगा, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से थर्ड ऑर्बिट का एम वी आर किसके बराबर होगा, 3 एच ओवर 2 पाई के बराबर होगा, तो ये फिर किसके लिए हो गया, थर्ड के लिए हो गया, ये फोर्थ के लिए हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब अगर आप देखें तो एच कॉन्स्टेंट है, टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, यहां पर हमने लगा दिया, आपको उस इलेक्ट्रॉन की मैस भी कांस्टेंट है, सिर्फ अब आपको उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस के मुतल्लक मालूमात हासिल हो सकती हैं। ये है बोहर थ्योरी का फायदा। तो इस तरह से बेटा जी आखिरी लाइन पढ़िएगा, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स, ठीक है ना जी, जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एन एच ओवर टू पाई के बराबर, इसके मतलब वो पहले में है, जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h ओवर 2 पाई के बराबर, इसका मतलब वो दूसरे में है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3h ओवर 2 पाई के तीसरे में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन वन ऑफ दोज ऑर्बिट एंड नॉट इन बिटवीन देम, ये नहीं हो सकता कि वो कहीं इस जो है वो पहले और दूसरे के कहीं दरमियान में मौजूद हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक हो गया ना जी। तो ये बड़ा जी आज का लेक्चर है, सो द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना, क्योंकि वो जो बेसिक यूनिट पे डिपेंड करता है ना उसको हम क्वांटाइज बोलते होते हैं। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे, अल्लाह तआला हम सबका हामी नासिर, आमीन, शुक्रिया।